आज 4 जून 2023 दिन रविवार सुबह के 9:30 बज रहे हैं। टेम्परेचर करीब 27 डिग्री होगा। मैं जम्मू एंड कश्मीर कठुआ से बोल रहा हूँ, पूरी एग्रीकल्चर फार्म से। ये जो आप अमरूद का पौधा देख रहे हैं, ये रेड डायमंड वैरायटी है अमरूद की, जो कि हमने जी हिंदुस्तान कंपनी से लिया था। ये अमरूद हमने पिछले साल अक्टूबर में लगाया था। ऐसे हमने उनसे 200 पौधे मंगवाए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको एक अच्छी फुटान आई हुई है। छः महीने का ये पौधा है, पर पहले 3 महीने ये तो सर्दी में रहा। इस बार अच्छी सर्दी पड़ी तो फरवरी तक तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो पाई। जैसे आप देख रहे हैं, इस बार इसने एक अच्छी फुटान पकड़ी हुई है। इसके पत्ते की जो चौड़ाई है वो इसकी किस्म के बारे में बताती है कि ये असली रेड डायमंड गावा है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि ये मैंने ड्रैगन की रोज़ के बीच में एक एक प्लांट लगाया है, जिसे हम आने वाले टाइम में अपनी नर्सरी का मदर प्लांट रखेंगे और इनसे आगे पौधों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सभी पौधों ने अच्छी फुटान पकड़ी है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। मैं टिश्यू कल्चर गावा, जो कि हमें जी हिंदुस्तान कंपनी से मिला है, मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छी उम्दा किस्म, जो कि प्योर फॉर्म है अपने रेड डायमंड गावा की, हमें दी है। और हमें इसके आगे इसको बढ़ाएंगे, खेती में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा लाल मक्खी का प्रकोप था, थोड़ा थोड़े पत्ते उसने खाए, हमने स्प्रे भी अब करवा दिया है। देखिए ड्रैगन के बीच में एक ये लाइन है, इन 3 लाइनों में तकरीबन 45 पौधे होंगे, बाकी के 155 हमने दूसरी जगह रोज़ में शिफ्ट किए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक नई वैरायटी है, जिसका एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। मैंने खुद चख के देखी है, फुटान भी अच्छी है।